स्वागत है आपका एक और नई कमाल की वीडियो में। पवनदीप राजन से जुड़ी एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। क्या पवनदीप राजन अरुणिता को हरा पाएंगे या फिर अरुणिता पवनदीप को हरा देंगी, क्या है ये माजरा, चलिए बात करते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी 22 अगस्त को पवनदीप राजन का एक नया गाना रिलीज हुआ था जिसका नाम था मैं बेवफा नहीं। ये गाना हिमेश रेशमिया के नए यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था। इस गाने ने एक ही दिन में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। जी हाँ, 1 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ऐसे में हिमेश रेशमिया के इसी YouTube चैनल के लिए अरुणिता का भी एक गाना रिलीज हुआ था जिसने एक ही दिन में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे। लेकिन अरुणिता के गाने को रिलीज हुए आज करीब 7 दिन हो गए हैं, लेकिन ये गाना अभी तक 2 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर पाया है। यानी पहले दिन तो इसने अच्छे व्यूज लाए, 1 मिलियन व्यूज, आगे चलकर ये गाना धीरे धीरे नीचे उतरता गया। ऐसे में अब हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या पवनदीप का गाना भी इसी तरह नीचे नीचे आता जाएगा, क्योंकि पवनदीप के गाने ने भी एक ही दिन में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पवनदीप का गाना आगे चलकर भी काफी अच्छे व्यूज ला सकता है। इसके रीजन ये हैं कि इस गाने को अरुणिता के गाने से अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं, ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग पवनदीप के गाने को अरुणिता के गाने से ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये लाइक्स और कमेंट्स से पता चलता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे चलकर भी लोग पवनदीप के गाने को इसी तरह प्यार देते हैं या फिर अरुणिता की तरह उनके गाने के व्यूज भी डाउन होते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें। ऐसी कुछ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।